मुनिवर, ये वन कुछ अनोखा प्रतीत होता है, ना ही पशु विचरते दिखाई देते हैं और ना ही पक्षी बोलते सुनाई देते हैं। इसका कारण क्या है मुनिवर? इसका कारण वो पत्थर की शिला अहिल्या है। पत्थर की शिला, इसका वृतांत? एक बार गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए अपनी कुटिया से निकले, तभी देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में छल से उनका वेश धारण कर उनकी कुटिया में प्रवेश किया और अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार किया। जब स्नान के पश्चात गौतम ऋषि वापस पहुंचे तो उन्होंने इंद्र को कुटिया से निकलते हुए देखा और उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने अहिल्या को श्राप दे दिया। वाह मुनिवर वाह, ये भी खूब रही, करे कोई और भरे कोई। इस जंगली अवस्था में मेरी आस्था नहीं, ये समाज जो अनंत वर्षों तक एक अबला को पत्थर के रूप में देखता आ रहा है, जिसकी चेतना पथराई पड़ी है, वास्तव में पत्थर अहिल्या नहीं, पत्थर तो ये समाज है, समाज। राम, तुम्हारे ही हाथों इसका उद्धार होना है। जो आज्ञा गुरुवर। कल्याण। देवी, यदि मैं उच्च कुल का अधिवेता हूं, यदि मैंने गुरु वशिष्ठ से विवेक नीति व गुरु विश्वामित्र से युद्ध कला अर्जित की है, यदि मुझ में इस समाज को नई राह दिखाने का समावेश है, तो मैं तुम पर लगाए गए तीनों आचरण, शास्त्राचार, लोकाचार, देशाचार, इन तीनों बंधनों से तुम्हें मुक्त करता हूं और तुम्हें एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार देता हूं। जिस किसी को भी ये अमान्य हो, वो मेरे सामने आए।
प्रणाम गुरु जी। हे प्रभु दीनानाथ, मैं एक अधम नारी हूँ। एक बार अनजाने में मुझसे जघन्य अपराध हो गया था और उसी श्राप के कारण मैं शिला बन गई और आज आपके चरणों से मेरा उद्धार हो गया। प्रणाम मुनिवर, आपने अहिल्या का उद्धार करके मुझे ऋण मुक्त कर दिया। कृपया कर कुछ देर विश्राम करें मुनिवर। नहीं, हमें अभी मिथिला नगरी निकलना होगा। जो आज्ञा मुनिवर।